News 18, India. जब साल भर तक का आंदोलन चला था, राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, है ना? हम 13 महीने सब लोग साथ थे। हाँ, फिर क्यों अलग हो गए? अब 2-3 ग्रुप किसान मोर्चे में बने हुए हैं, खास करके पंजाब की जो जत्थेबंदी है, हाँ? उसमें 2-3 ग्रुप हैं। उसमें से एक ग्रुप ये भी है जिन्होंने दिल्ली की कोल दी, आपसी सहमति नहीं बनी, लेकिन जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, हम सब उसके साथ में हैं। नहीं तो सब आप साथ में, मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन आप बंद अलग बुला रहे हैं, वो दिल्ली चलो अभियान अलग चला रहे हैं, ये आप लोगों ने मिलजुल कर स्ट्रेटजी है या फिर ये क्रेडिट का वॉर है कि नहीं, राकेश टिकैत का नाम खो जाएगा, पंडेर साहब को कोई पूछेगा नहीं, इसीलिए अब अलग अलग अपने मोर्चे खड़े कर दो? अलग अलग पहले से ही अलग अलग है, सब एक जगह नहीं बैठे, कई बार बातचीत हुई भी है, और सबने अब अपनी कॉल दी है, उन्होंने दिल्ली की दी, लेकिन उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है वो गलत है, उसके साथ में हम उस मूवमेंट के साथ में हैं। राकेशी, ये बात तो हर कोई मानेगा, मैं अदब से इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर किसी तरह का कोई अन्याय किसानों के साथ हुआ है तो फिर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए, इसमें कोई नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं, क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास, आपकी मांगे पूरी करने में अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सवाल में एक आध शब्द का हेर फेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़का है, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है, वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई आपका मेरा घर है ना, ये राकेश जी सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है, मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले बताइए, पहले ये बताइए ना, अब घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया, सुनिए ना, अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आप पाता नहीं, नकल करके पास हो जाएगा सारे चैनल वाले, गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़ राकेश जी, ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे तभी तो समझाओ। हाँ मैं सारे को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोल लो सारे। अब सुनो बात, हमने कहा है MSP गारंटी कानून चाहिए, ठीक, उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी वो सरकार खरीद कर ले, उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरे उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा, हाँ? व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, ये देश में MSP गारंटी कानून आप बना दे। यही जब SKM की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी, हाँ? यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा, जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसको अगर नुकसान है उसका व्यापार बंद कर। ऐसा बोलते हैं कि ये जो किसानी और ये जो अलग अलग अनाज, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो एंकर हूँ, लेकिन जितना वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूँ की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या? दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली
जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है, तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? हमने ये कहा है कि पहले जितना है उस पर कर दो, जिस पे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उस पर कर दो, दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन सरकार बैठ कर बातचीत तो करे। ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली अगर बात ये सरकार हाँ, पहले आप अगर ये सरकार बीजेपी की होती हाँ। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे हाँ। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का हाँ। जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली हाँ। ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती उस विचारधारा के वो इसमें रहते तो राकेश जी तो ऐसा है एमएसपी के डिमांड तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं, उन्होंने कभी वो आपकी मांग पूरी नहीं की, तो वो भी क्या पूंजीपतियों की और ये उद्योगपतियों की सरकार हो गई? अरे जब तक ये सरकार बीजेपी की रही हाँ। इसने तो हमारा समर्थन करा पिछली बार। अच्छा, दिलीप मंडल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं राकेश जी आपकी इजाजत से। राकेश जी नमस्ते। राकेश जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि एमएसपी पे सरकार खरीदे, भारत के हर राज्य इस समय अनाज के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, छत्तीसगढ़ को चाहिए नहीं, तेलंगाना को चाहिए नहीं, बंगाल को चाहिए नहीं, असम को भी नहीं चाहिए, तो सरकार यहाँ से खरीद कर उसका करेगी क्या? आप जानते हैं एफसीआई के गोदाम आप जाके देखिए अनाज सड़ रहा है, 400 लाख टन का इसमें बफर है धान का, उसके बाद हरियाणा वाले कह रहे हैं हम धान बेचेंगे। ओके ओके दिलीप जी, अरे राकेश जी रुकिए ना, राकेश जी रुकिए ना, अब सवाल नहीं क्या गलत नहीं आ रहा उन्होंने ये कहा भुखमरी के समय की पॉलिसी, जब अतिरिक्त उत्पादन हो तब नहीं चल सकती ना राकेश जी? बस एक सेकंड दिलीप जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए राकेश जी, तमने का नाम आप नहीं ले रहे इसलिए देश वाले परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा, ये कहीं से पढ़े पढ़ाए हमें आन के चैनल में बैठे हैं। हमने ये कहा कि सरकार को पूरी खरीद नहीं करनी, सरकार को जितनी खरीद करनी उतनी खरीद करे, आवाज थोड़ी सी तेज। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है उस पर कानून बन जाए, वो उससे सस्ते में खरीद नहीं करेगा, जो एमएसपी गारंटी कानून है। यही तो हमने कहा, एक माहौल बना जा रहा देश में कि सरकार सबकी खरीद करेगी। हमने कहा कि सरकार को नहीं खरीद करनी, वो तो कानून बनाए उसपे। अब हमारी बात दिलीप जी भाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जी, और मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है। आप सब राकेश सुनो हाँ, आप जो कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे करूंगा, मैं और तक इज्जत नहीं करता। अच्छा, इनके पढ़े पढ़ाओगे जवाब नहीं दिए जाते हैं, ये तो ज्यादा ये पढ़े पढ़ाए नहीं है ना राकेश जी, आप बात समझिए ना। देखिए राकेश जी, देखिए आप राकेश जी की बात तो सुनिए आप, नहीं नहीं कैसे नहीं सुनेंगे आप आएंगे, नहीं नहीं मैं आप मेरी बात सुनिए ना, हाँ हाँ आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, हाँ हाँ मेरी बात सुनिए ना राकेश जी, मेरी बात सुनिए आप। अब मैं आपसे बार बार एक बात पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुट्ठी भर किसानों की वजह से जो बहुत मेजॉरिटी किसान परेशान हो रहा है वो सिर्फ आंदोलन के लिए आता है, खेल जो है वो ऊपर लेवल पर हो जाता है, और आप पर तो ये आरोप लगते रहे हैं कि आपकी जब इच्छा होती तब सरकार से आप मिलीभगत करते हैं और प्रदर्शन खत्म, और फिर जब आपकी इच्छा होती है आप डंडा घुमाते हैं और बाकी सारे वो गरीब किसान आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप है ये राकेश जी, उन्हीं की लड़ाई तो लड़ते हैं गरीब किसान की, अमीर किसान तो हमारे साथ आता ही, और देश में अमीर किसान है कहाँ? मेरे सामने एक किसान बैठे हुए हैं। राकेश जी अपने पीछे अपने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा रखी है, ये बताइए कि आपके आंदोलन से जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको क्या लेना देना, उनको क्या मिलेगा इस आंदोलन से, और क्यों वो 40-50% आबादी आपके आंदोलन से जुड़े, इसकी मुझे एक वजह बताइए जिसके पास जमीन है ही नहीं। तो बाबा साहब की फोटो लगा लेना तो एक बहुत आसान काम है, ये बताइए गांव में उसका शोषण करता कौन है, गांव में उसके साथ अत्याचार करता कौन है? बाबा साहब ने कहा है कि गांव जो है वो दलितों के लिए नरक कुंड है, वो नरक कुंड बनाता कौन है? भगवान तो आता नहीं है,
तो अल्टीमेटली भारत की बड़ी आबादी के लिए इसका मतलब क्या है? नंबर टू आप ये बताइए कि MSP इस समय भारत आप जो अनाज खरीदेगी उस अनाज की जरूरत किस राज्य को है? कोई एक राज्य है जो कि अनाज मांग रहा है आपसे? तो ये जो पंजाब और हरियाणा के और किसान मुझे डिबेट ओपन करना है। राकेश जी ने मुझे वादा किया था कि कुछ ही मिनट के लिए वो बैठेंगे, लेकिन राकेश जी ससम्मान इन सवालों के जवाब दीजिए। ऐसा है ना, मैं डिबेट सिर्फ चैनल पे एंकर से करता हूँ। हाँ सही बात है, मैं बहसबाजी पे जाता ही नहीं। सही बात है, ठीक है। संयुक्त मोर्चे ने आप किसी मंत्री को बैठाओ ना, उससे करूंगा बात। हाँ ये अच्छा आइडिया है राकेश जी, गलत चीज है आपकी। नहीं नहीं राकेश जी, अच्छा आइडिया है। बहसबाजी करवाते, मैं किसी से कोई बहसबाजी नहीं करता। हाँ, मत कीजिए, मैं आपका सम्मान करती हूँ। नहीं नहीं राकेश जी, बात सही है। राकेश जी बात सही है, आपकी गलत चीज है। राकेश जी सुनिए ना, आप बात सही कह रहे हैं। आप 10 एंकर बैठो। नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, आप आपको मुझसे ही बात करनी थी, पर चूंकि दिलीप, आप सुनिए ना राकेश जी, बस मैं समझा दूं। आप मेरे महा मत दीजिएगा, ये बात आपकी सही है। आपने जो कहा था वो ये था कि आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे। सुना मेरी बात, सुनो, सुनिए ना। दिक्कत क्या है कि आज मैं आपके चैनल पर डिबेट बैठूंगा, दूसरा बैठाएगा। हाँ सही है, सही है। पिछले 3 साल मैं मान गई। अरे राकेश जी, मैं तो आपकी बात मान गई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये बता दीजिए, मैं बस मेरे सवाल का आखिरी जवाब दे दीजिए। इनका बीमारी का इलाज हम फील्ड में करते हैं। अरे सुनिए ना, हाँ हाँ नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अब आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है और उसे नीचे लेकर आना है? आखिरी सवाल का जवाब। राम तो हमारे पूर्वज थे, हम रघुवंशी हैं, राम भी हमारे उसके थे। राम का कहां सवाल आ गया? ये राम को ये आप बहस इस पर करोगे, राम ये राम को नहीं मानते, आज देख कुछ और किसी को नहीं मानते, हम इस सवाल पर जाते ही नहीं। हमारा इशू है गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, उनका इशू है। हमारा तो वो इशू है। धन्यवाद साहब ने कल कहा था ना राकेश जी, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ग्राफ बढ़ गया है, उसे जल्दी नीचे लाना है, वक्त कम है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपनी घोषणा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राफ बढ़ाएगा। राकेश जी, हमारा किसी ग्राफ को बढ़ाने का घटाने का कोई सवाल नहीं, हमारे अपने इशू है और देश की सरकार इसको समाधान करेगी। ओके राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत।